में नथिंग का TMF टॉप फोन बन आ चुका है आज। तो इससे पहले यहाँ पर नथिंग ने ईयरफोन और यहाँ पर जो स्मार्ट वॉचेज है वो लॉन्च की थी, तो ऐसा लगता है कि जो नथिंग है एक्सपेरिमेंट कर रहा था और अब उसके बाद में एक के बाद में एक डिवाइस निकाल रहा है। तो ये जो CMF है जो नथिंग का एक सब ब्रांड है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हो CMF, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो CMF लिखा हुआ है। CMF की फुल फॉर्म है कलर मटेरियल फिनिश रंग सामग्री समाप्त खत्म। तो यहाँ पर नथिंग ने लॉन्च करने से पहले कई बार यहाँ पर टीज किया था कि यहाँ पर हमारे जो मोबाइल है उसके पीछे स्क्रू होंगे और जो इसका बैक होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, तो इस तरीके से पहले हाइप बनाया था। तो वो चीज़ें यहाँ पर पूरी की हुई है, थोड़ा अलग और यूनिक यहाँ पर मोबाइल बनाया है, यूनिक डिवाइसेस बनाए हैं इसने। शुरू में नथिंग ने यहाँ पर 40,000 के अंदर यहाँ पर मोबाइल लॉन्च किया था नथिंग फोन 1, जिसमें बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग की थी पीछे बढ़िया LED की। और उसके बाद में अब सोचा कि यहाँ पर अंडर 20 के मतलब 20,000 से भी कम में यहाँ पर एक डिवाइस लॉन्च किया जाए, यहाँ पर जो मिडिल क्लास पीपल है उनको भी यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाए अपने डिवाइस की तरफ और उनको भी यहाँ पर अपने डिवाइस में शामिल किया जाए नथिंग में। तो अब इसके पीछे जो नथिंग का जो केस है वो कम्प्लीटली आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, जो स्क्रू दिए हुए स्क्रू को निकाल कर आप दूसरा यहाँ पर केस लगा सकते हो। तो ये समझ लीजिए कि इसमें 4 या 5 कलर हैं, तो आप हर 6 महीने में या हर साल भर में एक नया मोबाइल पा सकते हो, क्योंकि आपको उसमें से बैग निकालना, जैसे आप बैग निकाल दोगे बैग निकालने के बाद दूसरा बैग लगा दीजिए एकदम कंप्लीट आपका नया मोबाइल हो जाएगा, जैसे कि आपने नया मोबाइल ही परचेज किया। तो हर बार हर 6 महीने में साल में नया मोबाइल लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसका केस निकाल लेना पीछे से और उसके बाद में नया केस नया कलर के साथ में आपको लगा देना है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो इससे पहले जो 40,000 के अंडर में मोबाइल आ रहे थे सभी में, और उसके बाद में नथिंग फोन 2A यहाँ पर लॉन्च किया था, नथिंग फोन 2A यहाँ पर लॉन्च किया था जिसमें लाइटिंग थोड़ी कम कर दी थी क्योंकि यहाँ पे पोस्ट कटिंग की गई थी, वहाँ पर 24,000 रुपीज के अंदर यहाँ पर बेस्ट वेरियंट आ रहा था इसलिए वहाँ पर लाइटिंग भी कम कर दी थोड़ा। उसके बाद में तो यहाँ पर CMF का जो नया मोबाइल लॉन्च किया है उसमें बिल्कुल ही लाइटें हटा दिए क्योंकि यहाँ पर प्राइस भी कम दिया गया है, यहाँ पर प्राइस हमको अंडर 20 के था, बट अब यहाँ पर जो इसका बेस वेरियंट है जो मेरे हाथ में है अभी इसको आप ओनली 16,000 रुपीज में आप परचेज कर सकते हो, 16,000 रुपये में यहाँ पर इसे परचेज कर सकते हो। बट जैसा कि आपको पिछले मोबाइलों में देखने को मिल रहा था किसी भी मोबाइल के साथ में आपको चार्जर नहीं मिल रहा था, उसी तरीके से सेम परंपरा को यहाँ पर कायम करते हुए नथिंग ने यहाँ पर जो ये CMF फोन 1 है इसके अंदर भी यहाँ पर आपको कोई चार्जर नहीं दिया है। बट अच्छा है यहाँ पर इसके साथ में जो एक केस दिया है, वरना अगर ये एक केस नहीं देते तो इसमें भी वो कमा लेते। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है, क्योंकि एक केस की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर अमेजोन पर 1500 रुपये यहाँ पर एक केस की वैल्यू है। तो अगर आपको इस मोबाइल को परचेज करने के बाद में अगर केस चेंज करने की इच्छा होती है तो आपको 1500 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे एक केस के लिए, और यहाँ पर 4 कलर है तो अगर आपको 6,000 रुपये खर्च करने के बाद में आपको 4 केस मिलेंगे। तो ये यहाँ पर नथिंग का पैसे कमाने के लिए यहाँ पर एक तरीका है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर कवर में भी ये पैसे कमा लेगा। बट एक अच्छी बात ये कवर के साथ में आपको स्क्रू मिलेंगे, तो यहाँ पर आप कोई भी कवर परचेज करोगे कोई भी रंग का तो उसके साथ में आपको स्क्रू मिलेंगे, और जो नीचे आपको इसमें एक डायलर देखने को मिलता है कॉर्नर में, वो डायलर भी आपको सेम कलर का हर बार आपको नए केस के साथ में मिलेगा। और आप इसमें कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, यहाँ पर वाइट केस के साथ में आप यहाँ पर रेड यहाँ पर डायलर लगा लीजिए तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इस तरीके से आप ब्लू के साथ में वाइट और वाइट के साथ में ब्लैक इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो चलिए आप इसको कर देते हैं फटाफट अनबॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फ्लिपकार्ट की तरफ से हमारा CMF फोन 1 आ चुका है, डिलीवर हो चुका है। बट आपको पता है जैसे कि फ्लिपकार्ट में ओपन बॉक्स डिलीवरी सर्विस है कि अभी कोई भी आप ऑर्डर करते हो तो वो फ्लिपकार्ट जब डिलीवर करता है तो उससे पहले उसको ओपन करके दिखाता है कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए कि जो आपने आइटम मंगवाया है वही उसके अंदर है या फिर कुछ अलग है, इसलिए इसकी ओपन बॉक्स डिलीवरी की जाती है। बट मेरे केस में पता नहीं किस कारण से कोई ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन नहीं आ रहा था वहाँ पर डिलीवरी बॉय के सिस्टम में, तो उसने ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं की थी इसकी। हमने उनसे कहा था कि अगर आप उन्हें काम से कि अगर आप कहोगे तो हम कर देंगे, वैसे इसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। तो फिर हमने प्रीफर किया कि हम घर जाके खुद ही अपने हम थोड़ा रिस्क लेते हैं और अपने रिस्क पे घर जाके इसे अनबॉक्स करते हैं। तो अब करते हैं इसे अनबॉक्स। तो हमने ले लिया है अपने हाथ में हथियार, अब इसको कर देते हैं अनबॉक्स फटाफट। तो देखिए हमने जो रिस्क लिया है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखिए मस्त यहाँ पर बॉक्स की लुकिंग देखिए, सबसे पहले आप CMF बाय नथिंग फोन 1, ये नथिंग का ही एक सब ब्रांड है इसलिए यहाँ पर नथिंग बाय लिखा हुआ है। पर 6 यहाँ पर 128 GB में मंगवाया है, बेस वेरिएंट ये मंगवाया है। इसे खोल के दिखा देते हैं आपको,
तो अब इसे कर लेते हैं ओपन, इसको यहाँ पर कट कर लेते हैं। जैसे ही कट करोगे और ये देखिए एकदम प्यारी लुकिंग में आपके पास में आ चुका है आपका मोबाइल। और ये देखिए यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर दोनों साइड कट दिए हुए हैं, उसी तरीके से बॉक्स के अंदर भी यहाँ पर दोनों साइड कट दिए हुए हैं, जो बम्प इसके अंदर यहाँ पर आ जाए इसीलिए। तो और देखते हैं, वैसे तो इसकी परंपरा है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आपको अंदर बॉक्स में दिखा देते हैं कि एक केबल साथ में आती है। तो आपको मैंने पिछली बार जो नथिंग फोन 2A का अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाया था, उसमें जो केबल थी सेम वैसी केबल है टाइप सी टू टाइप सी, बट यहाँ पर उसमें ट्रांसपेरेंट था और यहाँ पर नथिंग की ब्रांडिंग लिखी हुई थी, तो उस तरीके से यहाँ पर नथिंग की ब्रांडिंग नहीं लिखी, नथिंग की ब्रांडिंग भी नहीं और यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, एकदम नॉर्मल जो केबल आती है उसी तरीके से केबल है। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में एक यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। इस बार सिम इजेक्टर टूल में भी यहाँ पर थोड़ा चेंज आया है, मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार कैप्सूल की तरह था, तो यहाँ पर देखिए इस बार सिम इजेक्टर टूल इस बार भी चेंज हुआ है, क्योंकि पिछली बार एकदम कैप्सूल की तरह एकदम गोल राउंड और ट्रांसपेरेंट था, इस बार ये प्लास्टिक का है। बट जो नथिंग का जो कलर है स्पेशल, और साथ में यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर वाटर मार्क डॉट डॉट वाले, जो नथिंग का जो टेक्स्ट है यहाँ पर डॉट वाला वो यहाँ पर दिया हुआ है सिंबल में। एक तो इस मोबाइल के साथ में एक स्टैंड स्टिक भी आती है, तो उसकी प्राइस वैल्यू मैंने चेक की थी 799 मतलब 800 रुपये की थी वो, जिससे आप यहाँ पर अटैच करके स्टैंड की तरह आप यूज कर सकते हो मोबाइल को। यहाँ पर कोई मूवी वगैरह देखना हो तो कोई मूवी वगैरह आपको कोई कंटेंट देखना हो या तो उस तरीके से आप इसको स्टैंड की तरह यूज कर सकते थे। तो यहाँ पर कॉम्बो ऑफर चल रहा था, तो मैंने साथ में उसको भी ऑर्डर किया था, तो मुझे ओनली 1 रुपीज़ में पड़ा है, क्योंकि उसमें कोई ऑफर चल रहा था कॉम्बो के साथ अभी मोबाइल के साथ में ऑर्डर करने पर। तो अब इसे कर देते हैं ओपन। तो ये देखिए फर्स्ट लुकिंग फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ नथिंग CMF Phone 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह पर यहाँ पर CMF बाय नथिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो पैनल है पूरा यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड में है, और जो यहाँ पर जो बम्प है ये मेटल में है, और यहाँ पर एक देखिए डायलर दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से आप इसे पकड़ोगे तो शायद ये हाथ में थोड़ा आपके अड़ेगा इस तरीके से, जिस तरीके से आप नीचे से पकड़ोगे तो ये हाथ में आएगा बार बार में। तो इसको आप निकाल भी सकते हो इस तरीके से, राउंड राउंड यहाँ पर घुमा के आप इसको निकाल सकते हो, बट इसको निकाल दोगे तो अब जो इसकी एज है वो शार्प हो गई है, तो ये हाथ में चुभेगी, इसको वापस लगा दो। मस्जिद है यार। तो इसके ऊपर आपको टेम्पर ग्लास लगाना होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक यहाँ पर एक फिल्म लगी हुई है, मतलब यहाँ पर एक पन्नी लगी हुई है। तो स्क्रीन है 6.67 इंचेस की, यहाँ पर फुल HD प्लस यहाँ पर इसकी स्क्रीन है, जो कि 120 हर्ट्स यहाँ पर रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। साथ ही में आप नीचे की साइड देख सकते हो यहाँ पर है स्पीकर ग्रिल, यहाँ पर चार्जिंग टाइप सी, यहाँ पर है माइक्रोफोन, और यहाँ पर सिम ट्रे। तो यहाँ पर सिम ट्रे निकाल के दिखा देता हूँ कि कौन सी यहाँ पर सिम सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर देखिए आप इसके अंदर या तो आप 2 सिम लगा लीजिए इसके अंदर, या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। तो स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो आप यहाँ पर अपटू 2 TB तक। तो अब मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ अपनी सिम। तो यहाँ पर सिम फर्स्ट है, तो सिम फर्स्ट में लगा लेते हैं हमारी सिम फर्स्ट को, और इसे कर देते हैं फिर से इंसर्ट। तो क्योंकि अब ये सिम लगाने के बाद ही आगे वर्क करेगा, जब तक आप इसमें सिम नहीं लगाओगे तो ये ऑन नहीं होगा। सिम कार्ड ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, आपको करना है राइट। यहाँ पर वाईफाई दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ पर करना है यूज मोबाइल नेटवर्क, प्रोसीड। यहाँ पर देखिए सिम कार्ड इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर 5G प्लस के नेटवर्क आ चुके हैं, और ये चीज़ें मैं अभी यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। अब हमारे पास में एक तो है CMF का फ़ोन 1, और उसके अलावा हमारे पास में नथिंग फ़ोन 2 है। तो दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी मैं आपको दूंगा, अगर आपको दोनों का कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो आप तो नीचे आप कमेंट कर दोगे, अगर आपको इसका कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पर हमें गूगल को सिलेक्ट कर लेना है, गेटिंग फ़ोन रेडी एग्री। तो ये देखिए क्या मस्त तरीके से नथिंग OS 2.6 इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हमें मिला है। और ये देखिए एनिमेशन देखिए कितना शानदार लग रहा है, यहाँ पर जो एनिमेशन आ रहा है बहुत शानदार एनिमेशन है। अब इसे कर दीजिए नेक्स्ट। तो इंस्टॉल कंट्रोल व्हेन यू डिवाइस अपडेट, तो ये कुछ अपडेट है तो उसको हमें कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर जो अभी नया अपडेट आ गया है, तो अभी इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके अंदर न्यू फीचर्स आए हैं, तो ये सारे फीचर्स आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो मैं अभी इसे कर लेता हूँ इम्प्रूव। देखो कैमरा भी यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है, यहाँ पर कुछ जनरल इम्प्रूवमेंट्स है, उसके अलावा कुछ फीचर्स आए हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो मैं इसे कर लेता हूँ डाउनलोड, और इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट दिखाते हैं। तो आपको कौन सा यहाँ पर स्टाइल चाहिए, तो यहाँ पर आप थीम स्टाइल आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर नथिंग का ही कर लेता हूँ, और इसे फिनिश सेटअप कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा सेटअप फिनिश हो चुका है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। तो अब
यहाँ पर देखिए इस साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर दो बटन हैं जो कि एक ही बटन है, बस बीच में यहाँ पे कट लगा दिया है जिससे पता नहीं चल पा रहा है कि दो है या एक बटन, वॉल्यूम प्लस और माइनस यहाँ पर बटन। ऊपर की साइड यहाँ पर देखिए सेकेंडरी माइक्रोफोन है और यहाँ पर इस साइड में पावर बटन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है और यहाँ पर देख सकते हो ये 1 2 3 4 स्क्रू है। यहाँ पीछे की साइड देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 स्क्रू है, कैमरा और इसके साथ में यहाँ पर एक फ्लैश लाइट। तो अभी हमारा ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पंच होल कैमरा है जो कि है यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का। और दूसरा यहाँ पर देख सकते हो पीछे की साइड दो कैमरा सेटअप है जिसमें एक तो है 50+2, तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर मेन कैमरा और उसके बाद में यहाँ पर जो है माइक्रो यहाँ पर कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। नथिंग फोन 2A के अंदर यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा था 50 मेगापिक्सल का, बट इसमें कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्टिविटी में वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.3, 9/5G बैंड्स और यहाँ पर सपोर्ट में देखिए वाइड एलिमेंट का यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। तो आपको मैं यूट्यूब ओपन करके पर आपको साउंड टेस्ट दिखा देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक ही स्पीकर है तो वहाँ पर जो साउंड की क्वालिटी किस तरीके से की देखने को मिल रही है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, यहाँ पर कॉपीराइट आ सकता है। ऑडियो इसका ओके क्योंकि यहाँ पर इसमें एक ही स्पीकर है। तो मैं एक बार आपको वीडियो क्वालिटी दिखा देता हूँ, इसमें 4K वीडियो प्ले होता है या नहीं वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो की क्वालिटी कितनी शानदार है, बहुत ही अच्छी। और ये वाला जो वीडियो चल रहा है 4K में चल रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छे कलर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हो सकता है आपको कैमरे में अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे हो, बट यहाँ पर जो कलर्स है बिलीव कीजिए बहुत ही शानदार कलर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऑडियो वीडियो टेस्ट हो चुका है, अब मैं आपको इसका कैमरा टेस्ट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कैमरा ओपन करना है, ओपन करने के बाद में देखिए फोटोज़ के अंदर यहाँ पर देखिए जो भी आपको फंक्शन दिखाई दे रहे हैं आप देख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ कैमरा सैंपल्स भी आप देख सकते हो, कैमरा सैंपल मैं आपको दिखा दूँगा, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर फोटो आ रही है। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखा देता हूँ, यहाँ पर दो ऑप्शन है, यहाँ पर 12+50, तो आप दो क्वालिटी में यहाँ पर फोटो ले सकते हो 12 मेगापिक्सल में, और ये आप मैनुअली सेट कर सकते हो। आप 50 में लेना चाहते हो तो 50 में भी मिल जाएगा और 12 में लेना चाहते हो तो 12 में भी मिल जाएगा, मतलब आप दोनों तरीके से इसमें फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। बट ये है जैसे आप 12 मेगापिक्सल में फ़ोटो लोगे तो आप इसमें जूम कर सकते हो इस तरीके से 2x से ऊपर तक, बट आप जैसे इसमें 50 पर शिफ्ट करोगे तो जैसे आप 50 पर शिफ्ट करोगे तो आप यहाँ पर इसमें जूम नहीं कर सकते क्योंकि अभी जूम फिक्स हो चुका है, अभी इतने पर ही आपको फ़ोटो लेनी होगी। उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर वीडियो, वीडियो मोड में आप देख सकते हो यहाँ पर 1080 at 30 fps यहाँ पर, और उसके अलावा यहाँ पर देखिए 1080 at 60 fps और 4K at 30 fps, और 4K में आप 60 fps नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पर 4K में आप ले सकते हो ओनली 30 fps तक का वीडियो यहाँ पर शूट कर सकते हो। जितने भी फ़ोटो और वीडियो सैंपल्स हैं उनकी ओरिजिनल क्वालिटी में आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने ड्राइव का लिंक दिया, वहाँ से इसके ओरिजिनल फ़ोटो और वीडियो क्वालिटी देख सकते हो। तो ये मोबाइल 16,000 की वर्थ में मेरे हिसाब से ठीक है। और बाकी मैं अब इसका प्रोसेसर भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर अबाउट फ़ोन। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेसर आप देख सकते हो यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300। तो इससे पहले जो नथिंग फ़ोन 2A आया था उसके अंदर था 7200 प्रो और इसके अंदर है 7300। तो ये लगने में नंबर्स के हिसाब से लगता है कि ये वाला प्रोसेसर अच्छा होगा, बट जो 7200 प्रो है वो इससे बेटर प्रोसेसर है। देख सकते हो हमने बेस वेरिएंट लिया है, रैम है 6GB, स्टोरेज 2128, 128GB, 5000mAh की इसके अंदर बैटरी है। स्क्रीन यहाँ पर देखिए AMOLED यहाँ पर डिस्प्ले है यहाँ पर 6.7 इंचेस की, और इसके अंदर हमें एंड्रॉयड 14 यहाँ पर आपको ऑलरेडी आपको एंड्रॉयड 14 पर ही मिलता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो नथिंग OS 2.6.0 यहाँ पर इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आगे से जो आया है सॉफ्टवेयर, और जो इसे एक नया अपडेट आया था उन्होंने मैंने अपडेट कर लिया है, बट अभी इसे अप्लाई नहीं किया है तो इसे अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट्स होंगे, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स में देखिए यहाँ पर कुछ एडेड न्यू विजिट डेट, और उसके अलावा यहाँ पर देखिए स्वाइप डाउन फंक्शन, इनकमिंग नोटिफिकेशन और कुछ पॉपअप स्टाइल यहाँ पर थोड़ी चेंज हो जाएगी, जो पॉपअप स्टाइल है थोड़ी चेंज हो जाएगी, और कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट आएंगे, और जो एंड्रॉयड पेज है वो भी जुलाई का यहाँ पर नया आया है, और इसके अलावा कैमरा इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं यहाँ पर,
ऑप्टिमाइज़ किया गया है यहाँ पर एसडीआर को, और जूम क्लियरिटी यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी हुई है, वो इनहेंस हुई है, बाकी कुछ बग्स थे वो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुए हैं। कितना यहाँ पर स्टोरेज के अंदर खाली आया है तो यहाँ पर देखिए 17 GB यहाँ पर यूज्ड है और 128 GB टोटल स्टोरेज है, तो उसमें से बचा हुआ है 111 GB यहाँ पर, 111 GB यहाँ पर स्टोरेज खाली है। तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी ब्लॉटवेयर यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ पर नीट एंड क्लीन UI है। यहाँ पर कोई भी अलग से एप्लीकेशन जो होते हैं गेम, फ्री गेम या फिर कुछ ऐसे एप्लीकेशन आते हैं जो एकदम अनोइंग लगते हैं, और जो उनमें से कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो अनइंस्टॉल भी नहीं होते हैं, तो वो इसके अंदर नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा काम किया है नथिंग ने। इसके अलावा मैं आपको इसके अंदर BGMI आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि कौन सी सेटिंग पर यहाँ पर चलता है, तो मैं अभी BGMI यहाँ पर इंस्टॉल करके और आपको वो दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको BGMI प्ले करके और यहाँ पर जो इसकी सेटिंग्स है ग्राफिक्स वो दिखा देता हूँ, हाईएस्ट कितनी ग्राफिक सेटिंग्स पर ये रन करता है। तो देखिए यहाँ पर हमने ओपन कर लिया अपना BGMI मोबाइल के अंदर, और यहाँ पर देखिए गेम मोड भी दे रखा है, ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर रेड चालू बंद करने पर ये गेम प्रिवेंट यहाँ से ऑन कर सकते हो, और देखिए चालू बंद कर देते हैं। और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स दे रखी है, ब्राइटनेस के अलावा यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब। अब यहाँ पर आपको ग्राफिक सेटिंग्स दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए HDR पे यहाँ पे अल्ट्रा और स्मूथ के अंदर आप एक्सट्रीम तक यहाँ पर प्ले कर सकते हो। और ये देखिए क्या मस्त यहाँ पर देखिए, कुछ कुछ जगह थोड़ा सा मुझे लैग देखने को मिला है यहाँ पर, बट फिर भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रोसेसर है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहे हैं, स्मूथ चल रहा है बाकी। और जैसे आप इसमें थोड़ी सी ग्राफिक्स को लो करोगे तो हो सकता है यहाँ पर उसके बाद में थोड़ा स्मूथ चले, तो वो भी मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सेटिंग्स में जाना और ग्राफिक्स को आपको स्मूथ में एक्सट्रीम पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद में अप्लाई करने के बाद में अब देखिए यहाँ पर थोड़ा फर्क पड़ा और ये एकदम स्मूथ चल रहा है। FPS भी यहाँ पर आप साइड में मॉनिटर कर सकते हो। अगर आपको भी परचेज करना है सेम है फोन वन, तो आप इसे परचेज कर सकते हो 16,000 रुपए में मोबाइल, और उसके साथ में इसमें अलग अलग चीजें यहाँ पर अटैच करके शो भी कर सकते हो। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आप इसे परचेज कर सकते हो, मैंने इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।